आज दिल्ली में जहां एक और सिनेमा के लिए नेशनल अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, हमें खुशी है कि वहीं दूसरी ओर हमारे स्टूडियो में एक खास अवार्ड विनर मौजूद हैं। प्लीज वेलकम दिस ईयर्स बेस्ट एक्टर मिथुन चक्रवर्ती। नमस्कार। ये फिल्म जिसके लिए आपको अवार्ड मिला है, काफी लोगों ने देखी नहीं होगी, उसके बारे में और आपके रोल के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये रोल है एक 45-50 इयर्स के, 50 साल उम्र के एक आदमी की। मैं तो मेरे ख्याल से मैं डायरेक्टर को इतना तंग किया हूँ, बुद्धदेव दास गुप्ता जी को, कि बुद्धदेव दास गुप्ता जी तो तंग आ गए थे। बोलते ये कैसा एक्टर मिल गया कि हर 15 मिनट में कुछ पूछता है कि ये करेक्टर कैसा था, आपका शिवनाथ कैसे दिखने में था, वो चलता कैसे था, उसको अगर टॉर्चर हुआ तो कहाँ कहाँ मारा होगा, पैर में मारा था कि पीछे मारा था, पीठ पे मारा था, कि अब कि उसके हेयरलाइन फ्रैक्चर है कि नहीं, उठने के बाद खटाक करके उठता था कि थोड़ा उठता था, उसकी चाल कैसी होगी, क्या होगा, इतना कर करके करके फिर अपने आप को एक जगह में खड़ा कर लिया था। इसकी चाल, इसके बोलना, इसका ढंग, इसका लुक सब बना लिया था। मात्र कैक दिन आगे खबर पाइसिलाम शेषमेश आमार एकटा पोला हयेछे, 11 बछर শেষের দিকে তোর কথা মনে হইতো, মাথাটা ঠিক থাকলে আর কাগজ পাইলে তোরে আমি চিঠি লিখতাম, লেটার্স টু এ সন ফ্রম অ্যান আননোন ফাদার। ভেরি ভেরি বোল্ড ফিল্ম, ইউ নো, আর ও রোল মানে ইসিলিয়ে কিয়া থা কে আই এম এ রেভলিউশনারি মাই সেলফ, আই অলওয়েজ ওয়ান্টেড টু ডু এ রেভলিউশনারি ফিল্ম, मतलब जिसमें रेवोल्यूशनरी का रोल, और वो रोल मुझे मिल गया। माजे माजे मोने होए वही जेल खाना टाइ भालो आसीलो, उन्तु तक टा आशा तो आसीलो, बाहरे टा उन्नो रखूं, आशा देखी एके बारे हाइजा पैसा कैसे। मैं 1969 11 सितंबर को दादर स्टेशन में उतरा, मेरे यहाँ अंकल रहते थे, तो मैं उतरा तो सब सामान लेके जा रहा, तो पीछे से कुली ने आवाज़ दी, हीरो। तो मैं रुक गया, यार मैं हीरो जैसा लग रहा हूँ क्या, हो सकता है यार मेरे में तो, क्योंकि सपने में भी नहीं सोचा था वो हीरो बोलेगा। तो थोड़ा दो कदम आगे बढ़ा तो पता चला वो जितने जा रहे हैं सबको बोलते हैं ये हीरो, मतलब उनका सामान उठाने के लिए, तो गलत फहमी टूट गई। तो इसलिए मुझे वो 11 सितंबर एकदम याद है, और शायद उस कुली के मुंह से या उस गरीब के मुंह से मेरे लिए कुछ वही लफ्ज दुआ बन के निकली होगी, आज मैं हीरो बन गया। हमारे फिल्म में फाइटिंग का मतलब है फाइटिंग विदाउट फाइटिंग। क्या हुआ? मतलब फाइटिंग लगता है कि फाइट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में तो फाइट नहीं करते ना। तो एक आर्ट है, अदा है वो, जो मैं सीखा, अपनाया, और मार्शल आर्ट को उसी तरह सीख के पिक्चर में डाल दिया, जो पॉपुलर हो गया। अब सुरक्षा देखिए, तो पहली फिल्म जो थी कमर्शियल हिट मेरी, वो देखिए उसमें मालूम पड़ा। एक्टर के लिए ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ी होनी चाहिए, वेरी वेरी, इट्स अ मस्ट। मैं जब पेइंग गेस्ट रहता था कोलीवाड़ा में, तो मेरे साथ एक रूममेट था, 75 रुपया दे के मैं ज़मीन पे सोता था, और वो 150 रुपया दे खट पे सोते थे। तो एक दिन रात को मुझे चूहे ने काट लिया, बहुत बड़ा, तो उठ गया तो ये ऑफिस चला गया, मैं तो काम धंधा नहीं, बेकार आदमी घूमता रहता हूँ, पेइंग गेस्ट रहता हूँ, तो इतनी नींद आई थी कि मैं उसके खटी में सो गया, और मुझे क्या मालूम था कि ये आ जाएगा, और जब आ गया था उसके बाद जो भड़का मेरे ऊपर कि मैं 150 रुपया देता हूँ, मेरे लिए खटिया है, तू 75 रुपये कैसे सोया, तो सारा आचरण कहिए, व्यवहार कहिए, सब मैं वो अग्निपथ में उठा के लगा दिया।
आई एम कृष्णन अय्यर जम जय नारल पानी वाला एक हल्का मेरी गाड़ी को ऐसी ऐसी फट मारना मैं देखा तुम्हारे बाया ना अरे कितना कुंड निकल मालूम इधर गोले इधर गोले इधर गोले मैं उठक लाइस कहा साला हल्के पत्थर मारते कितना नुकसान हुआ मालूम मेरे को इधर नारल गिर ना रुपए 325 का नुकसान हुआ। हाँ क्या लगता है आप चाहेंगे कि आपके बच्चे भी जो हैं फिल्मों में जाएं? बिल्कुल नहीं, बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है, यू नो आज कल क्या होगा मालूम नहीं इस लाइन में। प्रोफेशनली मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि विल यू बी डूइंग मोर फिल्म्स जहां पे इस तरह के अलग अलग से रोल्स होंगे? अभी फिल्में तो कम ही कर दूंगा, वैसे ही कम हो गई है और कम कर दूंगा। वजह? बस आई विल गो मोर स्लो 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 एंड आफ्टर 2-3 इयर्स वेल गुड बाय। 5-10 साल बाद क्या? I think a dusky good man.